आज हम क्लास टेंथ की एक्सरसाइज 3.3 पढ़ेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक। हमें चेक करना है कि फॉलोइंग इक्वेशन की ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बेटा, पहले देखिए इस इक्वेशन में x की पावर क्या हो, 1 टर्म उसकी क्या हो, x स्क्वायर की हो, वो इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एक टर्म क्या है हमारे पास, कम से कम एक्स स्क्वायर क्या है, इसे क्या कहेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। सीधे शब्द में इसको सॉल्व करते हैं, फिर एक्स को एक्स ब्रैकेट खोलेंगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस एट। ये देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, देखिए एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू है तो क्या होता है बेटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर क्या होगा बेटा फोर। साइड चेंज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एट, एक्स स्क्वायर साइड चेंज करेंगे किसका हो जाएगा, माइनस का फोर साइड चेंज करेंगे किसका हो जाएगा प्लस का, और इसके एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या आ गया मेरे पास एक्स एट और फोर कितने हो गए जीरो। यहाँ आपको एक्स स्क्वायर के टर्म नजर आ रही नहीं आ रही तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, नो इट्स नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया कैसे, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं आ रही। सेकेंड देखते हो ठीक है, राइट डाउन कर लो इसको। यहाँ देखो x प्लस टू की पावर होल क्यूब एक्स क्यू माइनस फोर, यहाँ x प्लस टू की क्या होता है क्यूब है, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो आइडेंटिटी पड़ी हुई है आपने, ए प्लस बी की क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए बी इंटू ए प्लस बी, या यहाँ से यहाँ तक आपने ये पढ़ा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, दोनों ए के पावर थ्री ए बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर भी हो गया, थ्री ए बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री ए बी स्क्वायर हो गया, दोनों में से किसी भी ए को कर सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ बेटा एक्स प्लस टू की होल क्यूब किससे निकाले, इससे लिख लो एस इससे लिख लो, ए की क्यूब यानी कि एक्स की क्यूब प्लस बी की क्यूब, बी क्या है यहाँ पर टू टू का क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू बी, बी की वैल्यू क्या है टू प्लस थ्री ए स्क्वायर, थ्री ए की वैल्यू एक्स और बी की वैल्यू क्या है बेटा टू का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर, एक्स क्यूब टू का क्यूब क्या हो गया बेटा एट प्लस थ्री टू थ्री टू जा सिक्स, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इंटू टू का स्क्वायर क्या हो गया बेटा फोर, एक्स क्यूब माइनस फोर, एक्स क्यूब प्लस का एट प्लस का सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री फोर जा ट्वेल्व एक्स, एक्स क्यूब साइड चेंज करेंगे किसका हो जाएगा माइनस का फोर साइड चेंज करेंगे किसका हो जाएगा प्लस का इक्वल टू जीरो, आर एच एस क्या आ गया था जीरो, देखो प्लस के एक्स क्यूब से माइनस का एक्स क्यूब क्या हो गया कैंसिल, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस के ट्वेल्व एक्स प्लस का एट और प्लस के फोर प्लस के ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। या देखो एक्स स्क्वायर की टर्म आ रही है ना, ये मैक्सिमम पावर किसकी आ रही है एक्स स्क्वायर की हो, ये नहीं अगर मान लिया एक्स क्यूब भी आता तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होते, केवल एक्स स्क्वायर मैक्सिमम पावर हो क्या हो गया एक्स स्क्वायर आ रहा है तो ये कैसा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, वही चेक करना है इसमें बेटा, ये तो सोल है ही एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस टू एक्स टू टू या फोर एक्स प्लस टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा फोर, वही साइड चेंज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर साइड चेंज करेंगे इसका हो जाएगा माइनस का फोर एक्स सी हो गया प्लस के प्लस का फोर साइड चेंज करेंगे इसका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल थ्री एक्स और फोर एक्स कितने एक्स हो गए बेटा से
रीजन नो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट ओके इक्वेशन क्लियर फोर दे होता x प्लस वन अपॉन x प्लस x स्क्वायर x plus 1 upon x plus x square where x is not equal to 0 check whether the following equation is part meaning ये कह रहा है इसके लिए क्या लिए यहाँ पे 0 क्या है अपने पास बेटा 1 upon 1 plus x plus x square क्या ले लेंगे बेटा एलसीएम ले लेंगे एलसीएम क्या है इसका x आ गया x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो गया x square यहाँ क्या रहेगा 1 x को x square से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x cube तो अपने पास क्या आ गया बेटा x cube plus x square plus x upon x x की पावर क्या होगी बेटा तो यहाँ पे 3 होगी तो केवल x के स्क्वायर नहीं इससे ग्रेटर देन है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड क्वेश्चन बेटा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड फैक्टराइजेशन मेथड से इक्वेशन को क्या करना है हमें सॉल्व करना है कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे 36 2x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6x स्क्वायर बहुत आसान सा है सिर्फ समझने के बाद एक बार समझ में आ गया तो खुद देखिए मिडिल स्टेप क्या है माइनस बेटा फैक्टर कर लेंगे क्या करने में फैक्टर आपने सिक्स क्लास में सीखे थे फैक्टराइज के सिक्स के सेवन के किसी भी डिजिट के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं इसी देखो सिक्स को किस किस टुकड़ों में तोड़ सकते हैं सिक्स वन जा सिक्स टू थ्री जा सिक्स दो ही फैक्टर हैं इसके सिक्स वन जा सिक्स टू थ्री जा सिक्स अब इन दोनों का उपयोग करके यूज करके हमें ये ना अब इन दोनों में से या तो इस टुकड़े का ही फैक्टर करें या इसका माइनस फाइव एक्स या तो जाकर सिक्स एक्स माइनस वन तो क्या हो जाएगा फाइव एक्स हो जाएगा या इससे भी हो जाएगा माइनस के थ्री एक्स और माइनस के टू एक्स थ्री टू जा सिक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो दोनों में से किसी से भी हो सकता है यहाँ पर देखो माइनस का थ्री एक्स और माइनस का टू एक्स माइनस के थ्री एक्स और माइनस के टू एक्स क्या हो गया बेटा माइनस का फाइव एक्स हो गया मल्टीप्लाई करेंगे थ्री टू जा सिक्स माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा एक्स एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ये भी लिख सकते हो मान लो ये करो तो माइनस का सिक्स एक्स प्लस का एक्स यहाँ देखो ये करते हैं तो ये क्यों नहीं होगा नहीं होगा क्योंकि माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट किसका आएगा माइनस का तो ये नहीं होगा कौन सा उपयोग हो जाएगा केवल अपना ये देखो टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स में क्या लिख सकते हो माइनस का थ्री एक्स माइनस का टू एक्स प्लस का थ्री इज इक्वल टू जीरो ये क्यों लिया आपने किससे लिया इसका फैक्टर ये इसका फैक्टर क्या और इसका टोटल क्या होना चाहिए ये होना चाहिए मिडिल स्टेप अब यहाँ देखो x कॉमन है यहाँ से क्या आया 2x माइनस थ्री हमें दूसरा स्टेप भी क्या लाना है 2x माइनस थ्री 2x किसका है माइनस का 3 किसका है प्लस का तो क्या कॉमन ले लिया हमने माइनस वन माइनस वन कॉमन ले ली 2x किसका हो गया प्लस का 3 किसका हो गया माइनस वन अब 2x माइनस थ्री दोनों में कॉमन है यहाँ से क्या आ रहा है एक्स यहाँ से क्या आ रहा है माइनस वन इज इक्वल टू जीरो सो द फॉलोइंग इक्वेशन बाई फ्रैक्शन मेथड क्या आ गया अपने पास क्या कर लिया हमने इसका फ्रैक्शन अब इसको सॉल्व कर लेते टू डिजिट का मल्टीप्लाई क्या है ये कोई दो नंबर है इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई क्या है प्रोडक्ट क्या है जीरो इट्स मीन वन डिजिट इज जीरो फोर 2x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो और 2x माइनस के थ्री साइड चेंज करेंगे किसका हो जाएगा प्लस का x इज इक्वल टू थ्री अपॉन टू और अगेन ये तो कर दिया या ये जीरो हो सकता है x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो x इज इक्वल टू वन सो x की वैल्यू क्या आ गई वन एंड थ्री अपॉन सेकेंड क्वेश्चन इज नाइन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो वही फर्स्ट और थर्ड स्टेप को मल्टीप्लाई करेंगे नाइन या एटीन नाइन प्लस का है टू माइनस का है इसका हो जाएगा माइनस का एटीन एक्स स्क्वायर मिडिल स्टेप क्या है माइनस के थ्री एक्स अब देखो एटीन के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं क्या क्या हो सकते हैं वन इंटू एटीन टू नाइन जै एटीन
सिक्स थ्री या एटीन और बस ये हो जाए। अब देखो माइनस थ्री एक्स ला रहा है और प्रोडक्ट इसका आ रहा है माइनस का, अगर मैं ये वाला यूज माइनस के सिक्स एक्स में से प्लस के थ्री एक्स सब्सट्रैक्ट करूँ तो क्या है बेटा माइनस के थ्री एक्स, ये आपको हर में लिखने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस करोगे इजीली सीधा ही लिखोगे आप, ना तो तुम समझाने के लिए लिख रहा हो चलो भी तुम्हारी समझ में आएगी ये चीज़ आई कहाँ से। बहुत से क्वेश्चन किए आपने नाइन्थ में किए हैं, एट्थ में भी किए हैं, बहुत बार किए हैं, लेकिन क्या है थोड़ी दिक्कत आई जाती है ऐसे क्वेश्चनों में, आप सोच जाते हैं कि क्या होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे इजीली हो जाएगा। सिक्स एक्स में से थ्री एक्स सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया माइनस के थ्री एक्स, सिक्स को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स थ्री जाए एटीन, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आ गया, क्या आ गया एक्स स्क्वायर, क्लियर। क्या लिखेंगे यहाँ पे नाइन एक्स स्क्वायर माइनस का सिक्स एक्स प्लस का थ्री एक्स माइनस का टू इज टू जीरो। इन दोनों में क्या कॉमन है सिक्स नाइन और सिक्स में से थ्री कॉमन है, एक्स स्क्वायर और एक्स में से क्या कॉमन आ गया एक्स, थ्री थ्री जा नाइन और थ्री थ्री जा सेम थ्री एक्स माइनस टू है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, वन को नहीं मिलेगा। अब थ्री एक्स माइनस टू दोनों में कॉमन है, यहाँ से क्या आएगा थ्री एक्स यहाँ से प्लस इज इक्वल टू जीरो, कोई और दो डिजिट दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है जीरो, इट्स मीन वन इट्स नेसेसरी जीरो, दोनों दोनों जीरो मीन थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, या थ्री एक्स माइनस का टू साइड चेंज करेंगे किसका हो जाएगा प्लस का, और एक्स इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री, और अगेन थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स प्लस का वन साइड चेंज करेंगे किसका हो जाएगा माइनस का, और एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री, सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा टू अपॉन थ्री और माइनस का वन अपॉन थ्री। थर्ड स्टेप से मल्टीप्लाई करो अंडर रूट थ्री को सेवन अंडर रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेवन सेवन अंडर रूट थ्री को अंडर रूट थ्री से अंडर रूट थ्री को अंडर रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा थ्री सेवन इंटू थ्री क्या आ गया बेटा अपना ट्वेंटी वन, एक्स को एक्स स्क्वायर है तो क्या आ गया ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर, मिडिल स्टेप क्या है बेटा टेन एक्स। अब ट्वेंटी वन के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन क्या होगा थ्री एक्स प्लस सेवन एक्स, थ्री एक्स और सेवन एक्स क्या हो गया बेटा टेन एक्स हो गया और सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन क्या क्या लिखेंगे बेटा अंडर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन अंडर रूट थ्री इक्वल टू जीरो। यहाँ देखो अंडर रूट थ्री और थ्री इन दोनों में क्या कॉमन है अंडर रूट थ्री कॉमन है क्योंकि थ्री को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री तो वन अंडर रूट कॉमन थ्री आ जाएगा यहाँ क्या रह जाएगा अंडर रूट थ्री, एक्स स्क्वायर और एक्स में कॉमन क्या है एक्स यहाँ से क्या बच गया एक्स, एक्स आ गया थ्री में से अंडर रूट थ्री कॉमन ले लिया तो मेरे पास यहाँ क्या आ गया अंडर रूट थ्री क्योंकि थ्री इंटू अंडर रूट थ्री को क्या लिख सकते हैं प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है सेवन कॉमन है यहाँ से क्या है एक्स और यहाँ से क्या है एक्स प्लस अंडर रूट थ्री दोनों में कॉमन है यहाँ से क्या आया अंडर रूट थ्री एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो, और एक्स प्लस अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट थ्री प्लस का रूट साइड चेंज करेंगे इसका हो जाएगा माइनस का, और अगेन अंडर रूट थ्री एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो अंडर रूट थ्री एक्स प्लस का सेवन साइड चेंज करेंगे इसका हो जाएगा माइनस का, एक्स इज इक्वल टू माइनस सेवन अपॉन रूट थ्री। मेरा डिनोमिनेटर क्या रूट है हो सकता है आंसर यही दिया हुआ इसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे अंडर रूट थ्री को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे बोलिए क्या हो गया माइनस सेवन अंडर रूट थ्री अंडर रूट थ्री अंडर रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, सो एक्स की वैल्यू क्या क्या आ गया हमारे पास माइनस अंडर रूट थ्री माइनस सेवन अंडर रूट थ्री अपॉन